हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन के बारे में। राइट, ये क्या है? कोनिकल प्रोजेक्शन का एक टाइप है। राइट, हम लोग पूरी वीडियो को एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और प्रोजेक्शन लास्ट में बनाएंगे। ठीक, अगर आपने हमारी वीडियोज जो प्रोजेक्शन पे बेस्ड है बाकी सारी वो आपने ना देखी हो तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और सारी वीडियोस को एक बार वॉच करिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ में वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे ड्रॉ अ पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन, दैट मीन्स एक पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का निर्माण करें जिसका आर एफ 1:125 और 6:0 है। ठीक है, और क्लास इंटरवल सीआई जो है वो बेसिकली क्लास इंटरवल में वेल है। राइट, जिसे हम हिंदी में अंतराल कहते हैं। अंतराल या फिर क्लास इंटरवल हमें 15 डिग्री गिवन है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब हमें क्वेश्चन में 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ तक दिखाना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये वाली रेखाएं। राइट, 0 से 180 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट तक दिखाना है। राइट, ये हमें क्वेश्चन में इतना डेटा गिवन है। अब हमें क्या करना है, आगे का स्टेप्स को फॉलो करके प्रोजेक्शन को बनाना है। जैसा कि सबसे पहला स्टेप होता है, मैं S1 लिख रही हूँ, स्टेप वन है हमारा रेडियस का कैलकुलेशन। सो रेडियस के कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे पहले एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ, एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, 6, 3, 5 और 6:0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, 6:0 ये एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ है, बिकॉज क्योंकि अर्थ हमारी जो है वो स्फेरिकल इन शेप होती है और जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे अगर आप लोग रेडियस कैलकुलेट करोगे तो वो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ज्यादा मिलेगा। वेदर आप लोग अगर पोल पे जाकर रेडियस कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, हमें कम मिलेगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज एक एवरेज निकाल लेते हैं रेडियस का, जो कि है 6, 3, 5 और 6:0। तो आई होप इस बात पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। राइट, उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका आर एफ गिवेन है क्वेश्चन में, आप उसे क्या करोगे, यहाँ पे पुटअप करोगे। ठीक है, तो आर एफ को पुटअप करते हैं यहाँ पे 125 और 6:0। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद जो आपको मिलेगा आर की वैल्यू वो होगी 5.08 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपको रेडियस मिलेगा वो होगा 5.08 सेंटीमीटर। यहाँ पर जैसे ही हमने ये वैल्यू निकाल ली तो हमारा स्टेप वन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टेप टू की। ठीक है, ये स्टेप टू है। स्टेप टू में हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, ये जो 5.08 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है इसे आप लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 5.08 तो होता नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5.1 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने 5.1 की लाइन ड्रॉ कर ली, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, इस पॉइंट को ए लिख दिया, इस पॉइंट को बी लिख दिया और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5.08 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे प्रोटेक्टर का, जिसे हम हिंदी में चांदा कहते हैं, सो ये वाला पॉइंट हम इस जगह पे रखेंगे कुछ इस तरीके से। राइट, इस तरीके से रखेंगे और ये जो 90 दिख रहा है वहां पे मार्क कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को, ए बी के डिस्टेंस को कंपास पे लेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट पे हमने कंपास को रखा और उसके बाद हमने बी तक आए और बी तक की डिस्टेंस ले ली और फिर क्या करेंगे, बी तक की डिस्टेंस लेने के बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। राइट, ये हम लोगों ने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। इतनी बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो हमने इतना काम किया, यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 30 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ है, जहाँ पे हमें अंतराल जो है क्लास इंटरवल वो 15 डिग्री का है। दैट मीन्स क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमेशा से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जो एंगल्स की जो लाइन बनती है वो हमें क्या बताती है, लैटिट्यूड बताती है।
लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब जो अर्थ पे जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और उसके बाद जब हम लोग ये बनाकर, ये वाली जो लाइंस होती है ना, ये हमें क्या बताती है, लॉन्गिट्यूड बताती है। ठीक है, ये बात आपको, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। सो हमें क्वेश्चन में 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ तक जाना है, ठीक है, और वो भी 15-15 के क्लास इंटरवल में। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में वापस आएंगे। सबसे पहला हमें क्या करेंगे, 30 डिग्री का एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये 30 आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 30, सो यहाँ पे हमने मार्क किया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद 30 का हमने मार्क कर लिया, अब इसे ए पॉइंट से अटैच कर दीजिए। हमें 30 से 75 तक जाना है, ठीक है, जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा या फिर कह लीजिए क्लास इंटरवल होगा, वो 15 डिग्री का होगा। दैट मीन्स हम 30 बनाएंगे, उसके बाद कितना बनाएंगे हम लोग, 45 बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे 60, और उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, 75। ठीक, सो तो हमने 30 को तो ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग 45 का लेंगे एंगल। यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे मैं आई 45, ये मैंने 45 का लिया, अब किसका लेंगे, 60 का लिया, उसके बाद किसका लेंगे, 75 का। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को मैं अटैच कर लूंगी, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, राइट, ये सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया, अटैच कर लिया। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, ये है जो एंगल है वो 30 का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल 45 का, ये वाला एंगल 60 का, ये वाला एंगल हमारा 75 का। ठीक है, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, हमारा क्लास इंटरवल कितना गिवेन है, 15 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी है। इस पॉइंट को हम लोग सी कह रहे हैं, फिर इसे डी कह रहे हैं, इसे ई कह रहे हैं, इसे एफ कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी के डिस्टेंस को कंपस पे मेजर करेंगे, बिकॉज ये क्या है हमारा, 15 डिग्री का एंगल है असलियत में। ठीक, तो हम इसको मेजर करा हम लोगों ने, उसके बाद क्या करेंगे, ए पॉइंट पे रखेंगे और आर्क बना लेंगे। हमने आर्क बना ली, राइट, जैसा कि अब हम लोग हर बार करते हैं, हम सी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे, ए बी के पैरेलल बनाएंगे लाइन को। तो आप लोग इस पे सेट स्क्वायर का यूज करिएगा गाइस। सो इसको हम लोग क्या दे देंगे, सी डैश और सी डबल डैश। यहाँ पे डी पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इसे हम नाम देंगे डी डैश और डी डबल डैश। अब ई पॉइंट जो कि 60 डिग्री का है, इस पॉइंट से हम लोग एक लाइन बनाएंगे, और ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो हमें क्या बताती है, जो मैंने शुरुआत में भी बताया था, ये हमें लॉन्गिट्यूड्स बताती हैं। ठीक, तो ये क्या है, ई डैश एंड ई डबल डैश। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ से जो पॉइंट निकल रहा है उससे एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से, इसे हम क्या नाम देंगे, एफ डैश एंड एफ डबल डैश, राइट। हमने इतना काम कर लिया, इतने काम करते ही हमारा मतलब आधे से ज्यादा स्टेप टू कंप्लीट हो गया। अब हमें जो आखिरी काम करना है वो ये है कि हम लोगों को जैसे एफ ई डी सी पॉइंट दिए हैं, यहाँ से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। रुकिए, देखिए, जैसे मैं क्या करूंगी, सी पॉइंट पे मैंने ये जो पॉइंट है इसे मैंने सी पॉइंट पे रखा ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे 90 डिग्री मार्क किया, 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर होती है, सो मैंने ये मार्क किया। फिर क्या किया, इस लाइन से अटैच होते हुए मैंने इस लाइन को बनाया, ये लाइन जहां तक जा रही है एक्सटेंड होके आप उसे वहां तक लेके जाएंगे, राइट, ये नहीं कि आप उसे टेढ़ा मेढ़ा करें, जैसे लाइन जा रही है एकदम वैसे ही आप उसे लेके जाएंगे। ठीक है, इस लाइन को उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसे मैं पी नाम दे रही हूँ। ठीक, अब क्या करूंगी मैं, यही काम डी के साथ करूंगी। तो ये वाला जो पॉइंट है उसे मैं डी पे रखूंगी यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे जैसे 90 90 है, 90 के सामने इस तरह मार्क कर लूंगी, और फिर इस पॉइंट से अटैच करते हुए और इस पॉइंट को
एक लाइन ड्रॉ करूंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगला काम यही साथ में ई के साथ करूंगी और यही मैं एफ के साथ करूंगी, राइट। तो ई के साथ सबसे पहले कर लेते हैं, यहाँ पे 90 रखा ये, और ये लाइन ड्रॉ कर ली। और यही काम मैं एफ के साथ करूंगी, एफ पे मैंने ऐसे रखा और यहाँ पे 90 मार्क किया। ठीक है, हम इसको बनाएंगे तो एक्सटेंड ऐसे ही कुछ जाएगी ना, तो बेकार की लाइन बनाने से कोई फायदा नहीं, बाद में हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा। सो इसको अब हम इसे नेम दे देते हैं, इसको पी क्यू और इसे आर, और ये जो लाइन है ये वाला पॉइंट इसे एस दे देते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। जैसे ही हमने ये वाला काम कर लिया हमारा स्टेप टू कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये जो हमारा जो डेटा है इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे, पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन, ठीक है। वो होगा हमारा फाइनल स्टेप जो कि है स्टेप थ्री। ये स्टेप थ्री है, स्टेप थ्री में हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, एक कोई भी अपने मन से कितनी भी लंबी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। हमने लाइन खींच ली, अब ये जो पॉइंट है हम उसे क्या करेंगे, पी मार्क करेंगे, ठीक है। हमने इस पॉइंट को पी मार्क कर लिया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोबारा स्टेप टू की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ स्टेप टू में देखिए आप लोग कि ये जो पी है ये पोल है जो कि मैंने वहां स्टेप थ्री में भी मार्क कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी से क्यू तक के डिस्टेंस को कंपास में लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह कंपास पे रखेंगे और ये देखिए पी और क्यू तक के डिस्टेंस हमने कंपास पे ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टेप थ्री की तरफ चलेंगे और इस P पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और इस डिस्टेंस को मार्क कर देंगे। हमने इस डिस्टेंस को मार्क कर दिया और इस जगह को नेम कर दिया क्या, Q, ठीक है, जैसा कि हमने स्टेप टू में किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग Q और R की डिस्टेंस को कंपास पे मेजर करेंगे। Q और R तक के डिस्टेंस को मेजर करके हम लोग स्टेप थ्री की तरफ दोबारा जाएंगे और इस Q पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और इस R डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर कर, हम आर्क लगाकर यहाँ पे R लिख देंगे। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू में दोबारा जाएंगे। स्टेप टू में ये जो R जगह है R पे हम लोग इस पर कंपास रखेंगे R पे और हम लोग S डिस्टेंस को अपने कंपास पे मेजर करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा ये R और S की डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को स्टेप थ्री में R पॉइंट पे निडल रखेंगे कंपास का और इस डिस्टेंस को यहाँ पे आर्क लगा देंगे और यहाँ पे इसका नेम कर देंगे जो कि स्टेप टू में हमने S का रखा है। हमने P, Q, R, S तीनों की डिस्टेंस लिख ली है। अब हमें जो अगला काम करना है वो है कि हमें स्टेप टू में दोबारा जाना है। अब हमें इस P पॉइंट से C पॉइंट तक, देखिए P जो है वो C तक अटैच है, P जो है वो C तक अटैच है, तो हमें P और C का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये जो लाइन है ये वाली ये लैटिट्यूड बताती है, सो हमें लैटिट्यूड का काम है। तो हम लोग C पॉइंट पे कंपास रखेंगे और उसे P तक लेके जाएंगे, यहाँ पे देखिए P तक लेके गए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थ्री में जाएंगे और इस P पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। ये हमने आर्क बना लिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या है, क्यू यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो डिस्टेंस है या ये वाली पूरी डिस्टेंस है वो सी डिस्टेंस है, बाद में मैं इसे रब कर दूंगी, मिटा दूंगी, राइट। तो ये सी, पी और सी की डिस्टेंस हमने मेजर करी। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू की तरफ मूव करेंगे। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा क्यू है। हम लोग क्यू, क्यू को देखिए, क्यू की लाइन कहाँ जा रही है, 45 डिग्री, 45 डिग्री हमें ड्रॉ करना है अपने उसमें प्रोजेक्शन में। सो हम लोग पी और डी, क्यू और डी की डिस्टेंस को कंपास पे मेजर करेंगे, ठीक है। ये हमने मेजर कर ली। अब हम लोग स्टेप थ्री की तरफ जाएंगे और क्यू पॉइंट पे कंपास रखेंगे और आर्क लगा देंगे कुछ इस तरीके का, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो Q और D डिस्टेंस हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम लोग दोबारा से स्टेप टू की तरफ जाएंगे, जैसे कि हमने स्टेप टू में Q और D डिस्टेंस को मार्क कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, R
और ये जो ई डिस्टेंस है इसे कंपास पे मेजर करेंगे। ये देखिए आर और ई को मैंने मेजर किया कंपास पे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू पे आएंगे। ये जो आर पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे रखा एंड एक आर्क ड्रॉ कर दिया, राइट। इतना काम करने के बाद हम इस पॉइंट को भी मार्क करेंगे। जैसे यहाँ आर और ई था, आर और ई, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये पॉइंट को ई मार्क कर दिया मैंने, ठीक। अगला हम लोग क्या करेंगे, एस और एफ के डिस्टेंस को कंपास पे मेजर करेंगे कुछ इस तरीके से। एस और एफ के डिस्टेंस को हमने कंपास पे मेजर किया, ये देखिए आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, ठीक। अब मैं क्या करूंगी, एस पॉइंट पे रखूंगी कंपास को और एक आर्क लगा दूंगी, राइट। ये मैंने एक आर्क लगा दिया, ठीक। अब आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। और इस पॉइंट को भी मैं लिख दे रही हूँ, क्या लिखूंगी इस पॉइंट को, एफ, ठीक है। यहाँ पे एफ है, यहाँ ये पॉइंट एफ है ना, देखिए एफ लिखा था, सो इसे एफ लिख दिया। यहाँ पे हमारे लैटिट्यूड कंप्लीट हुए। जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन की तरफ भी देख लेते हैं। 30 डिग्री से 75 डिग्री बनाना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 30 से लेके 75 तक बनाया, ठीक है। ये जो है हमारा, ये 30 डिग्री है, ठीक है। 30 के बाद कितना आएगा, 30 में 15 ऐड करिए। आप पूछेंगे 15 क्यों ऐड कर रहे हैं, 15 इसलिए ऐड कर रहे हैं कि 15 हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है। 30 में 15 ऐड करेंगे 45, और 45 में और 15 ऐड करिए क्योंकि 15 का क्लास इंटरवल में है, इसीलिए हम यहाँ पे आ जाएगा 60, फिर क्या आ जाएगा 75। हमने क्वेश्चन में जो 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ था लैटिट्यूड्स बना लिए। अब हम बढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड की तरफ, जो कि हमें 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट बनाना है। सो अब हमें लॉन्गिट्यूड्स बनानी है। लॉन्गिट्यूड्स हमें 0 से 180 डिग्री बनानी है, और क्लास इंटरवल हमें कितना, 15 डिग्री का दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, एग्जैक्टली डिवीजन करेंगे और पता चलाएंगे कि इस पॉइंट पे हमारा कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे कि 0 डिग्री, फिर 15, फिर 30, बिकॉज 30 ऐड करेंगे, 15 का क्लास इंटरवल है ना। उसके बाद इसी तरह ऐड करेंगे 45, फिर 60 आएगा, फिर आ जाएगा 75, फिर आ जाएगा 90, और फिर आ जाएगा 105, फिर आ जाएगा 120, फिर आ जाएगा 135, और फिर हो जाएगा 150, और फिर आ जाएगा 165, और फिर आ जाएगा 180। हमें 0 से लेके 180 तक दिखाना था, 180 ईस्ट, तो हम उसे बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम लोग दोनों साइड से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। जैसे इस साइड से बनाया, इस साइड से दो निकल गए, फिर दो इस साइड से, दो इस साइड से, फिर ये और ये, और फिर ये और ये। दैट मीन्स 90 यहाँ पे अकेला बच रहा है, और यहाँ पे इस पोजीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 90 डिग्री, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन जो निकली है उसे हम मिटा देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यह मिडिल वाला जो पार्ट है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉन्गिट्यूड्स का मेजरमेंट लेना है विद द हेल्प ऑफ स्टेप टू, स्टेप टू की मदद से। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, पीसी, यहाँ पे देखिए पी और सी की डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, पी और सी की डिस्टेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, पी और सी, दैट मीन्स सी, सी से ये लाइन यहाँ पे जा रही है, दैट मीन्स हम लोग सी डैश और सी डबल डैश की डिस्टेंस को कंपास पे लेंगे अपना लॉन्गिट्यूड। मैंने आपको बताया था ये वाली जो लाइन्स होती हैं वो हमें लॉन्गिट्यूड्स बताती हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा कि ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग कंपास पे मेजर कर रहे हैं, ठीक, जो कि 30 डिग्री की है, और ये हमारी 30 डिग्री वाली लाइन है। तो हम लोग यहाँ से ये 90 हमने मिडल में लिख लिया है, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 आर्क इस साइड में लगाएंगे, ठीक है, और 6 आर्क इस साइड में लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे हमने क्या, 6 आर्क लगा लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसे क्या, इस पार्ट में लगाएंगे, इस पोर्शन में लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आप लोगों ने इतना कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जैसे कि
यहाँ पे जीरो, इसी को पूरा कॉपी करके आपको लिखना है, ठीक है? जीरो, फिर 15, फिर 30, ये सब क्या होंगे, कौन सा डायरेक्शन होगा? हमें क्वेश्चन में ईस्ट दिया था, सब ईस्ट होंगे। ईस्ट ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 75, ये कितना होगा 90, जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन है इस जगह पर, ठीक है? उसके बाद क्या होगा 105, उसके बाद क्या होगा 120, उसके बाद क्या होगा 135, और उसके बाद क्या होगा 150, उसके बाद क्या होगा 165, और उसके बाद होगा 180, राइट? सो हमने ये क्या किया, जीरो से लेके 180 तक हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? दैट मीन्स हम यहाँ तक पूरा शो करेंगे। अब हम लोगों ने 30 डिग्री पे तो मार्क बना लिया, अब ये चीज हम 45, 60 और 75 पे बनाएंगे। तो सबसे पहले 45 वाली लाइन को देखते हैं, दैट मीन्स क्यू और आर, क्यू और डी का डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे, क्यू और डी का डिस्टेंस। तो हम इस लाइन पे यहाँ पर आएंगे, डी डैश और डी डबल डैश की डिस्टेंस को कंपास पे मेजर करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट? इसको हमने मेजर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ई पॉइंट पे आएंगे, सॉरी डी पॉइंट पे आएंगे, एंड यहाँ पे 6 मार्क लगाएंगे। वन, आई होप आपको पता है कि हम 6 मार्क क्यों लगा रहे हैं, ठीक है? वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, एंड फिर सिक्स, राइट? ये 6 मार्क लगा लिए। सेम हम लोग इस पार्ट पे भी 6 मार्क्स लगाएंगे। तो हम लोगों ने अब यहाँ का डी का पूरा, मतलब दैट मीन्स 45 डिग्री की जो लाइन है उसका, उसमें पूरा हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स लगा लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ई लाइन की लगाएंगे। तो हमें सिंपली ये ई लाइन, ई पॉइंट ये वाला है, तो हमें यहाँ पे ई डैश और ई डबल डैश ये वाला जो लाइन है इसकी डिस्टेंस लेनी है कंपास पे। तो यहाँ पे मैंने, देखिए आपको दिख रहा होगा, ई डैश और ई डबल डैश की डिस्टेंस को मैंने कंपास पे ले लिया है, ठीक? सो अब क्या करेंगे, हम लोग इस ई पॉइंट पे रखेंगे और 6 बार आर्क लगाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिमिलर चीज हम लोग इस पोर्शन में भी कर लेंगे, राइट? पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमने 60 डिग्री की भी सारी लॉन्गिट्यूड बना ली है, 60 डिग्री लैटिट्यूड की सारी लॉन्गिट्यूड उस पर ड्रॉ कर ली है, मतलब आर्क बना ली है। अब हम 75 को देखेंगे, 75 दैट इज पॉइंट एफ। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये एफ है, तो यहाँ पे आते हैं हम एफ डैश और एफ डबल डैश की डिस्टेंस को कंपस पे मेजर करेंगे। यहाँ पे मैंने कंपस पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस मेजर करी। अब मैं क्या करूंगी, एफ पॉइंट से आर्क लगाऊंगी, ठीक है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। यहाँ पे लाइन थोड़ी छोटी हो गई है, कोई बात नहीं, हम इसे बाद में बड़ी कर लेंगे, ठीक है? सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन में भी आर्क लगाएंगे, 6 आर्क। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? और यहाँ पे जो लिखे हुए थे 75, 60, 45 इसे मिटा लिया है, ठीक है? क्योंकि हम अब इसमें लास्ट काम परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट है। लास्ट में हमें करना क्या है, हमें सिंपली ये करना है कि ये जो लाइन्स है हमें इसे अटैच करना है, ठीक है? इन लाइन को, ये जो पॉइंट जैसी आर्क लगी हुई, इन लाइंस को हम अटैच करेंगे। गाइस इसके लिए मार्केट में फ्रेंच कर्व्स आती हैं, हम लोग बोन प्रोजेक्शन बनाने के लिए और पॉलीकोनिक बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो मैं इसे फ्री हैंड इसको पहले लाइट लाइट करके ड्रॉ करूंगी, जैसे ये। सो अब मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को डार्कली अटैच कर दूंगी, ठीक है? सिमिलरली यही करेंगे हम इसमें भी। उसके बाद हम इस पॉइंट पे भी ऐसे करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे और इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सो गाइज मैंने ये वाले सारे पोर्शन, मतलब सारी लाइंस को अटैच करते हुए दोनों तरफ की लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। थोड़ा बहुत आप ये देखोगे कि एरर आएगा, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा एरर आ रहा है कि यहाँ पर आर्क है बट थोड़ा सा वो उसके पीछे से मैंने बनाया है, इसलिए क्योंकि हमारे जो कंपास या जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं वो बिल्कुल ही सही नहीं होते हैं,
ठीक है, बिल्कुल उनका मेजरमेंट सही नहीं होता है। तो बहुत स्लाइटली अगर एरर आ रहा हो तो ये मत समझिएगा कि आपका डायग्राम गलत बन रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा एरर आ रहा हो तो समझ लीजिएगा कि ये डायग्राम गलत है, ठीक है। तो स्लाइटली एरर आए तो यही रीजन होता है, क्योंकि हमारे जो कंपास जो हम यूज करते हैं या जो भी अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं वो एकदम सेम नहीं होते, या फिर उनका मेजरमेंट हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। सो गाइस, तो मैंने ये सबको पूरा ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमने लॉन्गिट्यूड्स तो दिखा दिया है 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट। अब हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड्स दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ सबके आगे ईस्ट लिख लीजिएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, लैटिट्यूड्स दिखाएंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में लैटिट्यूड, जैसे क्वेश्चन में आई है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हमें 30 डिग्री से 75 डिग्री दिया गया है, वो भी क्लास इंटरवल 15 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री नॉर्थ। समझ गए आप लोग। सिमिलर वे में आप इसे यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, जिससे आपका डायग्राम जो है वो अच्छा दिखाई दे। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर हमारा कितना होगा, 45 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ एंड 75 डिग्री नॉर्थ, जो कि हमें क्वेश्चन में जितना भी गिवन था हमने वो पूरा बना लिया है। जैसे 0 से 180 डिग्री ईस्ट हमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दिखाना था, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दिखाना था, और 30 से 75 लैटिट्यूडनल, हमने ये पूरा बना लिया। तो ये हमारा क्या था, पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई फर्दर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आस्क करते हैं कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पे शो हो रही है, आप हमें मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स को, राइट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे आप लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्शन की वीडियोस जो आपकी छूटी हुई हैं, तो नीचे लिंक में प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, जाइए प्लेलिस्ट पे जाइए मैप प्रोजेक्शन की, वहां पे जो भी आपका अगर छूटा हुआ हो कोई, या फिर आपको कोई आपको ना समझ आ रहा हो, तो आप वहां से देख सकते हैं बाकी सारे प्रोजेक्शंस। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एक्सटेंड।